मित्रों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ही शुभ हैं और संपूर्ण विश्व में आदर के पात्र भी हैं। उनमें एक वृक्ष है पीपल, जिसको संस्कृत में अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं और इसी का नाम बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध ने इसका नाम बोधि वृक्ष के नाम से याद किया है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको सबसे ज्यादा पवित्र वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष बोला है। तो पीपल वृक्ष का बॉटनिकल नाम है फाइकस रिलीजियोसा और ये संपूर्ण भारत में सभी मंदिरों के प्रांगणों में और सड़कों के चारों तरफ दोनों तरफ लगाया जाता है और यही एक पेड़ है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। तो मैं इसका एक प्रयोग बताने के लिए आया हूं। इसका एक पत्ता, वन लीफ ऑफ पीपल वृक्ष, जो ज्यादा कोमल भी ना हो और ज्यादा सूखी भी ना हो, साफ सुथरी ले लें, उसको पानी से धोके या गंगा जल से या पवित्र जल से, किसी पवित्र नदी के जल से धोकर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो पर्स हमेशा भरा रहेगा। अब मैं आपको ऐसा एक पत्ता दिखाता हूं जो साफ सुथरा हो, जो आपको रखना है। तो मित्रों, इस तरह का साफ सुथरा पीपल का एक पत्ता लेना है। ये ज्यादा कच्चा भी नहीं है और ज्यादा पका भी नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको साफ सुथरा तोड़ लें और जल से या गंगा जल से धोकर पर्स में रखेंगे तो पैसा आपके पर्स की तरफ आएगा। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, आगरा। यह है पीपल का वृक्ष। नमस्कार।